हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता विश्नोई और ये थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 3 है जिसमें हम आज पीवी इंडिकेटर डायग्राम करेंगे। तो पहले से थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या किया। तो हम थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं, जीरोथ लॉ कर चुके हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कर चुके हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कर चुके हैं। तो आज हम क्या करना है, पीवी इंडिकेटर डायग्राम करना है। और पीवी इंडिकेटर डायग्राम करेंगे तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, उसमें हम टर्म यूज करते हैं। तो पहले थोड़ा सा क्वासी स्टैटिक होता क्या है उसको समझ लेते हैं। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज डिफाइंड इन अ वेरी सिंपल वर्ड दैट द प्रोसेस हैपनिंग वेरी स्लोली। जो प्रोसेस बहुत स्लोली हो रहा होता है उसको हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, जितनी भी स्टेट पासेस होती है हर एक स्टेट इक्विलिब्रियम में होती है और दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल इन नेचर। तो स्लो होगा और स्टेप बाय धीरे धीरे करेंगे और हर एक स्टेट में इक्विलिब्रियम अचीव होगा। दिस देयर इज नो फ्रिक्शन और लॉस प्रेजेंट, इट इज नॉट रियलाइज फॉर एनी फाइनाइट डिफरेंस ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मे बी डिफाइंड एज वन इन विच द सिस्टम इज ऑलवेज infinitesimally far away from the thermodynamic equilibrium, so that the successive state through which the state passes may be regarded as equilibrium state or may be expressed in thermodynamic coordinates of the system as a whole. Example, if we decrease, example में क्या कर रहे हैं हम, pressure decrease कर रहे हैं enclosed in a gas enclosed in a cylinder और small step में, gradual steps में कर रहे हैं by moving the piston extremely slowly. हम If we decrease the pressure on a gas enclosed in a cylinder in a small gradual step by moving up, हम क्या कर रहे हैं, expand करना चाह रहे हैं। तो जब हम expand करते हैं तो हम piston को up करते हैं और जब हम compress करते हैं gas को तो हम piston को down press करते हैं। तो हम piston up कर रहे हैं मतलब हम expand कर रहे हैं gas का और जब gas expand हो रही है तो हम धीरे धीरे steps में piston up कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होगा ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगा। ऑन द अदर हैंड इफ वी सडनली रेज द पिस्टन, अगर हम सडनली पिस्टन को रेज कर लें तो गैस जो है एकदम से एक्सपैंड हो जाएगी और ये प्रोसेस जो है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं होगा। तो दो टाइप हो गए, एक हम क्या कर रहे हैं, एक बार गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं, एक बार हम कंप्रेस कर रहे हैं बट स्लोली स्टेप्स में कर रहे हैं। ठीक है, एक बार वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, एक बार वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। अभी इस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे हम अभी आगे। तो पीवी इंडिकेटर डायग्राम में क्या क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन पीवी इंडिकेटर डायग्राम, डिटरमाइन द वर्क डन बाय द गैस अंडर पीवी डायग्राम ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। तो हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग पीवी इंडिकेटर डायग्राम से, एक बार आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, एक बार हम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है पीवी इंडिकेटर डायग्राम से। तो वर्क डन इन अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, एग्जाम्पल चेंजिंग इन द वॉल्यूम ऑफ गैसेस दैट कैन बी इजीली ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। तो पीवी इंडिकेटर डायग्राम क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और वो ग्राफ जो प्लॉट कर रहे हैं उसको हम पीवी डायग्राम या पीवी इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। और हम डिवाइस से ही डायरेक्ट नोट कर लेते हैं वॉल्यूम और प्रेशर और ग्राफ प्लॉट हो जाता है, विच इज डायरेक्टली रिकॉर्ड द चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर, चाहे वो एक्सपेंड का केस हो चाहे वो कंप्रेस का केस हो। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, अ चेंज इन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम ब्रिंग अबाउट द चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और प्रोसेस। तो वर्क डन हम क्या करना चाह रहे हैं, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो पहले आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, इफ वी चेंज इन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस सिस्टम टेक प्लेस इन सच अ मैनर दैट टेम्परेचर रिमेन्स सेम थ्रू आउट द सिस्टम इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम ऑफ प्रेशर तो चेंज होगा बट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, हम इस तरीके से कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक गैस लिया, गैस को सिलेंडर में फिल्ड किया विद पिस्टन एट रूम टेम्परेचर अंडर एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो पिस्टन को ये ध्यान रखना है, अगर हम पिस्टन को पुश डाउन कर रहे हैं, पुश डाउन का मतलब है हम कंप्रेस कर रहे हैं गैस को, तो वर्क डन इज डन बाय ऑन द गैस। तो सिस्टम पे वर्क हो रहा है ना, गैस क्या है, सिस्टम है, तो वर्क डन इज ऑन द गैस। और जब गैस पे वर्क डन होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा
तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, और जिस टाइम इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अब हम ये प्रोसेस क्या कर रहे हैं, आइसोथर्मल कह रहे हैं। तो अगर हम टेम्परेचर मेंटेन करना चाह रहे हैं, कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, तो जो टेम्परेचर रेज हुआ, एक्स्ट्रा जो हीट हो रही है, वो क्या होनी चाहिए, कंडक्ट होनी चाहिए। और कंडक्ट क्या होगी, सिस्टम से सराउंडिंग में कंडक्ट हो जाएगी, तभी वो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रह सकता है। ठीक है, अब वर्क डन बाय द गैस, अभी क्या कर रहे थे, ऑन द सिस्टम वर्क डन कर रहे थे। अगर बाय द गैस होना लगे, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस का मतलब क्या है, जब हम गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं, हमने पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर स्लोली अप किया, तो उस टाइम क्या होगा, वर्क डन बाय द गैस होगा। वर्क डन जब बाय द गैस होगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, तो यानी कि सराउंडिंग से कुछ टेम्परेचर कंडक्ट होकर सिस्टम में, यानी कि गैस में आना चाहिए, जिससे उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे। ठीक है, तो यहाँ तो ये बात हो गई। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने गैस को सिलेंडर में फिल्ड किया, अब आइसोथर्मल प्रोसेस करना है। अगर आप कंप्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ ज्यादा से कम हो रहा है, ठीक है, और अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो एक्सपेंड में वॉल्यूम कम से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ग्राफ किस तरह, लेट अ गैस बी फिल्ड इन सिलेंडर विद अ पिस्टन एंड रूम टेम्परेचर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम पहले यहाँ ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, फिर इसको समझाते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक साइड प्रेशर ले लेंगे पी, साइड वॉल्यूम वी, कि जब हम एक्सपेंड करेंगे, सपोज एक पॉइंट ले लेते हैं ए, इस पॉइंट पे इसका प्रेशर है पी वन, वॉल्यूम है वी वन। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड के केस में क्या होगा, लोअर वॉल्यूम जो है वो हायर से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो यानी कि एक्स एक्सिस में बढ़ेगा। जब एक्सपेंड होगा तो उस केस में प्रेशर कम होगा, तो ये ग्राफ थोड़ा नीचे की तरफ स्लोली मूव करेगा। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, बी पॉइंट, बी पॉइंट पे क्या हुआ, इसका प्रेशर पी टू हो गया, वॉल्यूम वी टू हो गया। तो ये हमने जो ग्राफ बनाया अभी एक्सपेंड के केस में बनाया, ए बी के बीच में, कि वॉल्यूम वी वन था, हमने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड मतलब पिस्टन धीरे धीरे ऊपर हमने स्लोली मूव किया, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर कम हो गया। रिवर्स भी कर सकते हैं कि हमने कंप्रेस करना स्टार्ट किया तो क्या होगा, जब हम कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक शेडेड एरिया बना लेंगे, ये है डीवी। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पी इंटू डेल्टा वी। ठीक है, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो लेट 1 ग्राम ऑफ अ मोल ऑफ अ गैस बी अलाउड टू एक्सपेंड अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, लेट इट्स इनिशियल वॉल्यूम वी वन एंड प्रेशर पी वन इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट पी पॉइंट ए, इट्स फाइनल वॉल्यूम इज वी टू एंड द प्रेशर इज पी टू रिप्रेजेंटेड बाय बी ऑन पीवी इंडिकेटर डायग्राम, ऑल्दो इस टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा। सपोज द स्मॉल इंक्रीज डी वी इन अ वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट द प्रेशर पी, तो इस जगह ऑलमोस्ट सेम प्रेशर है, तो पी प्रेशर है, तो वर्क डन हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी, शेडेड स्ट्रिप है ये इसकी। देयर फॉर द टोटल वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग, बाय द गैस है ना, एक्सपेंड कर रहे हैं, बाय द गैस ड्यूरिंग द होल एक्सपेंशन फ्रॉम वी वन टू वी टू इज डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, वॉल्यूम चेंज हो रहा है वी वन से वी टू पी डी वी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आ गया। फिर क्या करेंगे हम, पी वी इक्वल टू, ये पी वी डॉट डी वी है, या एरिया अंडर द कर्व ए बी है, परफेक्ट गैस के लिए पी वी इक्वल टू आर टी होता है, तो यहाँ से पी इक्वल टू हो जाएगा हमारा आर टी अपॉन वी, इस पी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, और आर और टी कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और W इक्वल टू आर टी इंटीग्रेशन वी वन वी टू टी वी अपॉन बी, जब इसका इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन बी का तो लॉग बेस ई वी आएगा, और जब लिमिट लगाएंगे वी वन से वी टू तो लॉग बेस ई वी टू अपॉन वी वन हो जाएगा। तो हमारा वर्क डन आ गया इन टर्म्स ऑफ
वॉल्यूम, और अगर बेस ई को बेस टेन में चेंज करना है तो 2.3026। तो ये हमारी वॉल्यूम की टर्म में वर्क डन आ गया इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब क्योंकि सी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट तो बॉयल्स लॉ ओबे होता है। बॉयल्स लॉ ओबे क्या है, पीवी इक्वल टू आरटी, पीवी पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू बॉयल्स लॉ है। तो हमने क्या किया, ये वॉल्यूम के टर्म्स में इक्वेशन है, इसको हम प्रेशर की टर्म्स में ले जाना चाह रहे हैं, तो V2 अपॉन V1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो V2 अपॉन V1 इक्वल टू हो जाएगा P1 अपॉन P2, और ये हमने इसमें रखा तो इक्वेशन बिकम W इक्वल टू 2.3026 RT log base 10 P1 अपॉन P2। तो आपको इसका एक इक्वेशन याद रखिएगा वर्क डन का, W इक्वल टू 2.3026 log RT log base 10 V2 अपॉन V1, और क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ लगेगा, तो V2 upon V1 equal to P1 upon P2 आ जाएगा। ठीक है, V2 upon V1 याद रखिएगा, P1 upon P2 उसका इन्वर्सली आ जाता है क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। इस वीडियो को फिलहाल मैं यही एंड कर रही हूँ, उसका रीजन ये है फिर वो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा अगर हम वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस का भी कैलकुलेट करें। तो वर्क डन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगी, वो भी बहुत जल्दी अपलोड होने का, अब ज्यादा गैप नहीं होगा वीडियोस में, और उसके बाद फिर हम इन दोनों पे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो अब जो थर्मल फिजिक्स का या थर्मोडायनेमिक्स का गैप चल रहा था वीडियोज में वो नहीं मिलेगा, जल्दी जल्दी वीडियोज आएंगे। तो अभी के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।